साउथ एशिया में पाए जाने वाले ये पिकॉक दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं, जिन्हें ग्रीन पिकॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए क्योंकि इनके शरीर का 80% रंग ग्रीन होता है। ये पिकॉक इंडियन ब्लू पिकॉक से मिलता जुलता है, बस दोनों में रंग और प्रजाति अलग होती है। इनके हाइट की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 से 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और ये पक्षी खाने में फल, पौधे, इंसेक्ट्स, इन जैसी चीजों को खा सकते हैं। ये पिकॉक जमीन पर ही अपना घर बनाते हैं और उस पर ही अंडे देकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ग्रीन पिकॉक दिखने में इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होने के कारण कुछ लोग इन्हें घर में पेट बनाकर पालना भी पसंद करते हैं। अगर आपको भी पिकॉक पसंद है तो आप भी इन्हें पाल सकते हैं, बस आपको इनका खास ध्यान रखना पड़ सकता है। पिंक पिकॉक। ये पिकॉक तो व्हाइट पिकॉक से भी ज्यादा रेयर है, जिन्हें इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस पिकॉक को देखने के लिए सच में नसीब लगता है। वाइल्ड पलावन पिकॉक। ये मोर बाकियों से साइज में छोटा और क्यूट है, जिसे दुनिया का सबसे आकर्षक पिकॉक भी माना जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस के पलावन आइलैंड पर पाया जाता है। इनके पंख मेटालिक ब्लू पर्पल कलर के होते हैं और इनकी मूंछ पंखों के साथ ग्रे कलर की होती है। इस प्रजाति के मेल पिकॉक की हाइट की बात करें तो ये 20 इंच तक बढ़ सकते हैं, वहीं फीमेल की ओर बढ़े तो ये 16 इंच तक बढ़ पाती है, जो कि मेल के मुकाबले थोड़ा कम है। इस खूबसूरत पिकॉक की पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का अभी तक कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसी वजह से अभी जो भी और जितने भी पिकॉक बच्चे हैं, उनकी बड़े अच्छे से देखभाल की जा रही है। वाइल्ड पलावन पिकॉक करीब 15 सालों तक जीवित रह सकते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही शर्मिला होता है, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्हें पालना पसंद करते हैं। व्हाइट ब्लू पिकॉक। इस मोर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह के पिकॉक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये मोर सफेद और नीले रंग का मिश्रण लगता है, जो कि दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है। इनकी गर्दन सफेद और नीले रंग की होती है और इनके पंख सफेद और ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाला मोर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्यों सही कहा हमने? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह रेड व्हाइट पिकॉक भी होते हैं, जो बेहद ही दुर्लभ है लेकिन खूबसूरती में उतना ही अमेजिंग। ग्रेट अर्गस फेजेंट। इसे आप गोल्डन पिकॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पंख सुनहरे होते हैं, जिन्हें आप देख ही रहे होंगे। इस पिकॉक को ग्रेट अर्गस फेजेंट के नाम से जाना जाता है। इनमें मेल पिकॉक के पंख फीमेल के मुकाबले ज्यादा लंबे और बड़े होते हैं, जिसके कारण अगर फीमेल पिकॉक पर कोई हमला कर रहा हो तो वो अपने पंखों को खोलकर फीमेल पिकॉक की रक्षा करता है। साथ ही अगर इन्हें फीमेल्स को अट्रैक्ट करना हो तो वो अपने पंख आगे करके उन्हें दिखाते हैं, तब ये और भी प्यारे लगते हैं, जो कि हमें बाकी किसी पिकॉक में इस तरह की खास बात देखने को नहीं मिलती है। हम अगर इसके खाने की बात करते हैं तो ये आम पिकॉक की तरह फल, फ्रूट, इंसेक्ट्स जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक बात तो है, जब भी अपने पंखों को खोलते हैं तब इनकी असली खूबसूरती का पता चलता है, जो कि दिखने में बड़े ही आकर्षक होते हैं। व्हाइट पिकॉक। व्हाइट पिकॉक बड़े ही रेयर होते हैं, जिन्हें देखना बहुत ही लकी माना जाता है। इनके पूरी तरह व्हाइट होने की वजह से आपने जरूर इसे एल्बाइनो पिकॉक समझ लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें, ये मोर की कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, बल्कि ब्लू पिकॉक ही है, जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से पूरे सफेद पैदा होते हैं और इनकी आंखें नीले रंग की होती हैं। दरअसल पिगमेंट सेल्स के माइग्रेशन की वजह से ये पूरी तरह से सफेद रंग के होते हैं और ये भारत में मुख्यतः पाए जाते हैं। इनके पंखों में कोई रंग न होने की वजह से भी ये बड़े ही सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। एशियाई पिकॉक। अपने बचपन में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इस पर निबंध तो जरूर लिखा होगा। एशियाई पिकॉक को दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी भी कहा जाता है, जो कि खासकर इंडिया की प्रजाति है, जो कि नीले रंग का होता है। इस पक्षी के पंखों में हमें ज्यादातर नीला रंग देखने को मिलता है, जिसके बावजूद ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी बाकियों की तरह इंसेक्ट्स, पौधे वगैरह ही खाते हैं। ये पिकॉक 100 से 120 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन तकरीबन 6 से 8 किलोग्राम तक होता है। इनकी पूंछ भी बाकियों से अलग और ज्यादा लंबी होती है। इनके असली खूबसूरती का पता तब चलता है जब ये अपने पंख पूरी तरह से खोलते हैं, और तब ये नजारा देखने लायक होता है। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंखों पर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रंग होता है, और उस वजह से ये पिकॉक के मामले में मशहूर भी है। इतना ही नहीं, ये पक्षी इंडिया का नेशनल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिख के जरूर बताना, और यार इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। ऑसिलेटर टर्की।
इनका नाम सुनते ही आप जरूर ये जान गए होंगे कि ये पक्षी टर्की की प्रजाति है, लेकिन हमने इसे पिकॉक के लिस्ट में इसलिए शामिल किया क्योंकि इन्हें द पिकॉक ऑफ टर्की कहा जाता है, जिन्हें ऑसिलेटेड टर्की के नाम से जाना जाता है, जो कि आम टर्की के मुकाबले कलरफुल होते हैं। ये खूबसूरत सा दिखने वाला पक्षी अपने स्वभाव से भी उतना ही सौम्य होता है। इस पक्षी के मेल की हाइट तकरीबन 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। और वहीं इनके वेट के बारे में जाने तो मेल पक्षी का वजन 5 किलोग्राम और फीमेल पक्षी का वजन 3 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इन दोनों की गर्दन पूरी तरह से नीले रंग की होती है और आंखें ऑरेंज कलर की। इन पक्षियों को ज्यादातर इंसेक्ट्स खाना पसंद होता है। इनके प्यारे स्वभाव की वजह से बहुत से लोग जिन्हें पिकॉक पसंद है वो इन्हें भी अपने घरों में बगीचों में पालना पसंद करते हैं। और अगर आप इन्हें असलियत में देखना चाहते हैं तो आपको भी टर्की ही जाना पड़ेगा। गोल्डन पिकॉक। चलिए अब बात करते हैं गोल्डन पिकॉक की, जो इस दुनिया का सबसे नायाब पक्षी है जिसे देखना लगभग नामुमकिन है। इनके पंख सुनहरे कलर के होते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि इनके अंडे भी गोल्डन कलर के होते हैं, जिन्हें इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ग्रे पिकॉक फेजेंट। ग्रे पिकॉक बड़े ही डिलाइट किस्म के होते हैं और इन्हें खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट से भी नवाजा गया है। इतना ही नहीं, ये पिकॉक म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है, और ये तकरीबन 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। अगर हम इन पिकॉक को ध्यान से देखें और इन्हें परखें तो सिर्फ ये ग्रे रंग के ना होकर असल में इन्हें बहुत से रंग छुपे हुए होते हैं। साथ ही इनका शरीर हल्का ब्राउन ग्रे कलर का होता है, जिनके पंखों पर ब्लू और पर्पल रंग के डॉट्स भी होते हैं। और इनके खाने पर जाएं तो इन्हें भी जमीन पर छोटे छोटे कीड़े खाना पसंद है। कॉन्गो पिकॉक। ये खूबसूरत सा दिखने वाला पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे कॉन्गो पिफाउल भी बुलाते हैं। ये पिकॉक भी दिखने में बाकी पिकॉक की तरह ज्यादा अट्रैक्टिव और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इनकी पूंछ बाकियों की तरह लंबी ना होकर छोटी और गोल होती है। इसके साथ इनके सर पर सफेद रंग का छोटा सा क्राउन होता है। इस खूबसूरत कॉन्गो पिकॉक के लेंथ की बात करें तो ये 64 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इन प्यारे से पक्षियों के खाने की चीजों पर अगर हम गौर करें तो ये लगभग सारे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं और इसी के साथ साथ ये पौधे भी खाना पसंद करते हैं। इस कॉन्गो पिकॉक के बारे में अगर हम और जाने तो जैसे इंडिया का नेशनल बर्ड ब्लू पिकॉक है,